Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Hello and welcome to lecture number 31 of differential geometry. Last time humne surface ki topological properties ko discuss kiya tha. Usme jo hamara main emphasis tha wo homotopy pe tha. Uske baad humne simply connected surfaces ko define kiya tha using homotopy. Aur humne ye dekha tha ke they are very special kind of surfaces aur inko use karke hum jo mukhtalif topological properties हैं उनको relate कर सकते हैं. उसके बाद हमने Poincare lemma देखा था और उसके बाद हमने conditions of orientability निकाली थी और इन सब में जो main idea था हमारा, जो main concept हम use कर रहे थे वो homotopy का था. आज के lecture में हम abstract surfaces के बारे में देखेंगे. उसके बाद हम ये देखेंगे these abstract surfaces are part of a bigger class, उनको हम कहते हैं manifolds. और in fact जो आपके पास abstract surfaces हैं ये two dimensional manifolds बन जाएंगे. Now the question is why do we need the concept of abstract surface. अभी तक जो हमने definition की है surfaces की उसमें हमारी जो basic requirement थी वो ये थी कि a surface in R3 is a subset M of R3. So basically जब भी हम surface define करते हैं या अभी तक जो हमने की हैं उसमें हमारी requirement ये थी कि it has to be some subset of R3. So in other words हमारे पास x-axis, y-axis और z-axis होना चाहिए और उसके बाद आपके पास कोई subset है इस स्पेस का, उसके बाद हम इसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर सकते हैं. सो ये जो रिक्वायरमेंट है टू बी कंटेन्ड इन सम R3, दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट इन ए सेंस कि हम एक एम्बियंट स्पेस रिक्वायर कर रहे हैं. हम एक ऐसी स्पेस रिक्वायर कर रहे हैं जिसकी प्रॉपर्टीज से हमने सरफेस को डिस्कस करना है, उसकी प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हमने सरफेस की ज्योमेट्री को डिस्कस करना. सो दिस रिक्वायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन कुछ केसेस में ये रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी हर्डल्स क्रिएट करती है. फॉर एग्जांपल अगर आप ज्योमेट्री ऑफ प्लैनेट अर्थ को डिस्कस करना चाह रहे हो, सो फॉर एग्जांपल अगर आप इस टेक्निक को देखें जिसमें आप ये रिक्वायर करते हैं कि यू हैव टू बी इनसाइड सम यूक्लिडियन स्पेस, इन दिस केस R3, तो इस रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें प्लैनेट अर्थ की ज्योमेट्री को डिस्कस करने के लिए इसको प्लेस करना पड़ेगा इनसाइड सम यूक्लिडियन स्पेस. इन अदर वर्ड्स अगर मुझे प्लैनेट अर्थ की ज्योमेट्री को ऑब्जर्व करना है तो उसके लिए मुझे चांद पे जाना पड़ेगा या बहुत दूर जाना पड़ेगा जहां से मुझे ये पता चल जाए फॉर एग्जांपल कि अर्थ इज लाइक ए स्फीयर. लेकिन इस केस में ये बहुत मुश्किलात कर सकता है. सो हम ऐसी डेफिनेशन करना चाह रहे हैं सरफेस की जिसमें हम सरफेस की इंटरनल प्रॉपर्टीज को यूज करें. इन अदर वर्ड्स हम सिर्फ और सिर्फ प्लैनेट अर्थ के ऊपर रहते हुए ये प्रूव कर सकें दैट प्लैनेट अर्थ इज लाइक ए स्फीयर. और जो दूसरी प्रॉपर्टीज हैं, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं प्लैनेट अर्थ की, वो हम ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं प्लैनेट अर्थ के ऊपर रहते हुए. सो उसके लिए हम आइडिया यूज करेंगे एब्स्ट्रैक्ट सर्फेसिस का जिसमें हमें एम्बियंट स्पेस की कोई रिक्वायरमेंट ना हो. उसमें हम सरफेस को किसी यूक्लिडियन स्पेस R3, R4 या किसी और यूक्लिडियन स्पेस में प्लेस नहीं करेंगे और इंडिपेंडेंट ऑफ दैट उसकी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे. सो हमने जो सरफेस डिफाइन की थी, ए सरफेस इन R3 इज ए सबसेट M ऑफ R3 such that for each point P of M there exists a proper patch in M whose image contains
इन नेबरहुड ऑफ पी इन एम. सो मोर और लेस इसी आइडिया को हम यूज करेंगे, लेकिन इसमें जो रिक्वायरमेंट थी दैट ए सरफेस इन आर थ्री इज ए सबसेट एम ऑफ आर थ्री, इसको हम ड्रॉप कर देंगे. सो वी वॉन्ट टू जनरलाइज द आइडिया ऑफ ए सरफेस सो दैट ए सरफेस डज नॉट हैव टू बी ए पार्ट ऑफ आर थ्री और एनी अदर यूक्लिडियन स्पेस. उसके लिए सबसे पहली चीज जो हमें रिक्वायर्ड है वो है व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्ट पैच. सर्फेसिस को जब हमने डिफाइन किया था तो हमें डेफिनेशन ऑफ पैच की जरूरत पड़ी थी. इस केस में हम एब्स्ट्रैक्ट पैच डिफाइन करेंगे. सो एब्स्ट्रैक्ट पैच क्या है? लेट एम बी एनी सेट. इसमें आप देखें कि हम ये रिक्वायर नहीं कर रहे दैट एम इज ए सबसेट ऑफ आर थ्री और अदर रिक्वायरमेंट लाइक दैट. सो एम इज जस्ट एनी सेट. एन एब्स्ट्रैक्ट पैच इन एम इज ए फंक्शन फ्रॉम डी टू एम सच दैट इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. सबसे पहली बात तो यह है इट हैज टू बी इंजेक्टिव, इट हैज टू बी वन टू वन. सेकेंडली डी इज एन ओपन सेट इन आर टू. सो इसमें आप नोट करेंगे कि आपकी जो डेफिनेशन थी फॉर सर्फेसेज इन आर थ्री उसमें जो पैच था वो भी फंक्शन था फ्रॉम सम ओपन सबसेट ऑफ आर टू टू सर्फेस एम. लेकिन इस केस में आपकी जो सर्फेस थी वो कंटेंट थी आर थ्री में. लेकिन इस केस में हम ये रिक्वायरमेंट को ड्रॉप कर रहे हैं और हम इंडिपेंडेंट ऑफ दैट डिफाइन कर रहे हैं दैट एन एब्स्ट्रैक्ट पैच इज जस्ट ए फंक्शन फ्रॉम सम ओपन सेट डी ऑफ आर टू टू एम. टू फाइंड अ गुड डेफिनेशन ऑफ सरफेस एम वी नीड टू डिफाइन व्हाट डिफरेंशिएबिलिटी मींस फॉर फंक्शंस इन्वॉल्विंग एम. सो बेसिकली हमें ये भी डिफाइन करना है दैट इफ एम इज सम एब्स्ट्रैक्ट सरफेस व्हाट डज ए फंक्शन फ्रॉम एम टू आर मींस. सो एम टू रियल लाइन. एंड सिमिलरली वी वॉन्ट टू डिफाइन एंड वी वॉन्ट टू डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शंस फ्रॉम सम अदर सेट टू द सर्फेस एम. सो वी वॉन्ट टू डिस्कस दीज काइंड ऑफ फंक्शंस विच आर फ्रॉम द सर्फेस टू द रियल लाइन एंड द काइंड ऑफ फंक्शंस विच आर फ्रॉम अदर सेट्स टू द सर्फेस एम एंड वी वॉन्ट टू सी वेन दीज फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल. उसके लिए हम कुछ रिक्वायरमेंट्स इम्पोज करते हैं ऑन द सर्फेस सो दैट इट बिकम्स एन एब्स्ट्रैक्ट सर्फेस. सो एन एब्स्ट्रैक्ट सर्फेस इज ए पेयर एम पी सच दैट पी इज ए सेट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट पैचेज इन एम एंड सच दैट द फॉलोइंग थ्री एक्सियम्स आर सेटिस्फाइड. सो बेसिकली किसी भी सर्फेस को अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट सर्फेस प्रूव करना है सो उसके लिए हमें एक सेट पी चाहिए विच इज़ द सेट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट पैचेस. और एब्स्ट्रैक्ट पैच क्या होता ये हमने अभी डिफाइन किया है. इट इज़ जस्ट एन इंजेक्टिव मैप फ्रॉम एन ओपन सेट ऑफ आर टू टू द सर्फेस एंड सच दैट द फॉलोइंग थ्री एक्सियम्स आर सेटिस्फाइड. सबसे पहला एक्सियम है द कवरिंग एक्सियम. द यूनियन ऑफ द इमेजेस ऑफ द पैचेस इन एम इज इक्वल टू एम. सो बेसिकली हम पी के अंदर पैचेस ले रहे हैं लेट से एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री अप टू सो ऑन एक्स एन. और इसमें से हर एक पैच है इट्स ए फंक्शन फ्रॉम सम ओपन सबसेट ऑफ आर टू टू द सर्फेस एम. सो हेयर डी आई इज एन ओपन सबसेट ऑफ आर टू. सो इट इज ओपन इन आर टू एंड दीज आर ऑल्सो इंजेक्टिव बाई डेफिनेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट पैच एंड पी इज द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑफ दीज एब्स्ट्रैक्ट पैचेज. नाउ द रिक्वायरमेंट ऑफ द कवरिंग एक्सियम इज इफ आई टेक द यूनियन ऑफ द इमेजेस
of the patches. So for example, XIDI. So this is contained inside the surface M. So let's say this is X1D1. So basically coming from some open subset D1 of R2 to the surface M. Similarly, I will have another patch from some open subset D2 of R2, and the map is X2. So this is X2, this is X1 of D, and this is basically X2 of D2. And similarly, we have other X3 of D3, X4 of D4, up to so on. Now the requirement is the union of the images of the patches in P is equal to M. So isme agar in tamam ka hum union le to tamam ki tamam jo surface hai wo cover ho jayegi. So for example, aapke paas aise patches hain jab aap inka union le, so things like this, आप जब इनका union लेंगे तो आपके पास तमाम की तमाम surface cover हो जाएगी, similarly the other side of the surface. So this is the first requirement कि हम तमाम की तमाम जो surface है उसको cover कर सकते हैं with the images of the patches in this collection P of the patches. So this is the first requirement on this set P. Now the second requirement is the smooth overlap axiom. Now if X and Y are elements of P, so let's say this is an element X and this is an element Y, and P has some other elements as well, so X, Y, Z, up to so on, and other patches. Now Y inverse of X and X inverse of Y are differentiable functions from open sets in R2 to R2. Now let's discuss this map Y inverse of X. So jab aap X apply karenge on the domain D of X, to aapke paas some portion aayega surface ka. So this red line portion. जब आप उस पे y inverse apply करेंगे, definitely इस तमाम portion के ऊपर y inverse आप नहीं apply कर सकते, आप सिर्फ उस portion पे apply कर सकते हैं जिसका intersection y of e के साथ है, where e is the domain of the patch y. So this black line portion is basically common with x of t. So आप इन पे y inverse apply करेंगे, जब आप इन पे y inverse apply करेंगे, then you will get some elements of E, and since D is a subset of R2 and similarly E is a subset of R2, so X y inverse और इस order में y inverse X आपके पास एक map है from some portion of D, क्योंकि आप तमाम के तमाम D नहीं ले सकते, आप सिर्फ वो D के elements लेंगे जिनका image जो है वो Y के image में आ रहा है. So basically these points. So अगर आप इस portion में जो elements हैं उनके ऊपर जब आप X apply करेंगे तो आपके पास ये वाले elements आएंगे, और इनके ऊपर जब आप Y inverse apply करेंगे तो आपके पास ये वाले elements आएंगे. So basically y inverse x is a function from this shaded portion of R2 to this shaded portion of R2, and similarly x inverse y is a function from the other side. So isme just jo direction hai wo change ho gayi hai aur baki tamam procedure same hai. Now the overlap axiom requires that this y inverse x and x inverse y
बोथ आर डिफरेंशियबल फंक्शंस। और इनकी डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करेंगे आप? बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप कैलकुलस में चेक करते आए हैं, क्योंकि y इनवर्स x और x इनवर्स y दोनों के दोनों फंक्शंस हैं फ्रॉम सम सबसेट ऑफ R2 टू सम सबसेट ऑफ R2। सो बेसिकली अगर इस R2 में कोऑर्डिनेट्स आपके पास x और y हैं, और x R2 में आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो u एंड v हैं, देन यू कैन इजीली राइट डाउन y इनवर्स x एंड x इनवर्स y इन टर्म्स ऑफ x, y, u एंड v। सो the smooth overlap axiom requires that these two maps are differentiable function from open subsets in R2 to the open subsets of R2. So this is the second requirement on the elements of P. Now the third requirement on the elements of P is that it satisfies the Hausdorff axiom. Now what is Hausdorff axiom? अगर मेरे पास कोई से दो पॉइंट्स हैं P एंड Q सरफेस M के, then there are disjoint patches X and Y of P such that P is in the image of X and Q is in the image of Y. So basically this axiom requires that अगर मैं कोई से दो एलिमेंट ले लूँ, let's say this is P and this is Q, then there are disjoint patches. So disjoint patches means, so there is a patch containing P such that the image does not intersect with the image of Y, and X contains the element P and Y contains the element Y, and Q is contained in the image of Y. And if it is true for each and every pair of elements on the surface, then we say that this set P satisfies the Hausdorff axiom. So हमने सबसे पहले एक सेट लिया M, उसके ऊपर हमने डिफाइन किया what is an abstract patch. Abstract patch is just a one-to-one function from an open subset of R2 to this set M. उसके बाद हमने एक कलेक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट पैचेस लिया P, और इस कलेक्शन पे हमने तीन कंडीशंस इम्पोज की। सबसे पहले तो हमने ये कहा कि इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं P के, उनके जो इमेजेस हैं जो कि डेफिनेटली सरफेस M पे होंगे, उन इमेजेस का मैं यूनियन लूँ तो मेरे पास पूरी की पूरी सरफेस M आ जाए। सेकेंड एग्जियम हमारे पास है द स्मूथ ओवरलैप एग्जियम। इसका ये मतलब है कि अगर कोई से दो पैचेस हैं जो कि इस वे में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देन y इनवर्स x एंड x इनवर्स y आर डिफरेंशियबल फंक्शन फ्रॉम ओपन सबसेट्स ऑफ R2 टू ओपन सबसेट्स ऑफ R2। एंड द थर्ड एग्जियम वाज, अगर मैं कोई से दो पॉइंट्स लूँ P एंड Q, देन देर एग्जिस्ट टू पैचेज x एंड y इन P। सो बेसिकली इट्स ए प्रॉपर्टी ऑफ P कि इसके अंदर ऐसे दो एलिमेंट्स एग्जिस्ट करने चाहिए सच दैट P इज इन द इमेज ऑफ x एंड Q इज इन द इमेज ऑफ y। सो अगर ये तीन प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर दे ये सेट P, देन दिस सेट M टुगेदर विद दिस कलेक्शन P ऑफ एब्स्ट्रैक्ट पैचेस इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट सरफेस। सो ये जो थर्ड रिक्वायरमेंट है, ये हम इसलिए रिक्वायर कर रहे हैं क्योंकि हमने डिफरेंशियबिलिटी डिफाइन करनी है फॉर द फंक्शंस फ्रॉम सरफेस M टू रियल लाइन और फंक्शंस फ्रॉम सम अदर सेट्स टू दिस सरफेस M। नाउ एब्स्ट्रैक्ट सरफेस हैज मैनी कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स एंड ब्यूटिफुल एग्जाम्पल्स। सो हेयर वी कैन सी टू ऑफ द एग्जाम्पल्स, एंड इन some difficult way we can prove that these are in fact abstract surfaces. So for example, इस surface में आप जो different colors हैं उनको assume कर सकते हैं that they are images of abstract patches. Similarly, तो आप अपने इर्द गिर्द मुख्तलिफ surfaces देख सकते हैं
और आप फॉर एग्जांपल इस केस में आप एक रैबिट देख रहे हैं, और इस तरीके से आप अपना हाथ भी अगर ऑब्जर्व करें तो इसमें भी आप मुख्तलिफ पैचेस बना सकते हैं, और ये जो कलेक्शन ऑफ पैचेस होगा वो एब्स्ट्रैक्ट सरफेस की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। सो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट सरफेसेस। ओपन सेट्स ऑफ ए सरफेस, लेट एम पी बी एन एब्स्ट्रैक्ट सरफेस। सो इसमें ये चीज़ अब ऑब्जर्व करें कि अगर सिर्फ और सिर्फ मैं ये सेट एम ले लूं तो ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि हमने जब एब्स्ट्रैक्ट सरफेस को डिफाइन किया था तो इस सेट पी के ऊपर हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स थी कि अगर ये जो कलेक्शन ऑफ पैचेस पी है ये कुछ प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करे देन एम इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट सरफेस। सो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट सरफेस होने के लिए हमारे पास दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। सबसे पहले ये सेट एम, और उसके बाद कलेक्शन ऑफ पैचेस ऑन एम। सो बेसिकली इन दोनों के साथ ही हम एब्स्ट्रैक्ट सरफेस डिफाइन करेंगे। नाउ व्हाट इज एन ओपन सेट ऑफ एम? बेसिकली इट इज एनी यूनियन ऑफ सेट्स एक्स ऑफ यू सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पी एंड यू इज एन ओपन सबसेट ऑफ द डोमेन ऑफ एक्स। सो बेसिकली अगर कोई सी भी हमारे पास सरफेस है, दैट व्हाट इज एन ओपन सेट इनसाइड दिस सरफेस। सो एन ओपन सेट इज डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ द सेट्स एक्स ऑफ यू वेर एक्स बिलोंग्स टू पी। सो एक्स बिलोंग्स टू पी मीन्स एक्स इज ए फंक्शन फ्रॉम सम ओपन सेट डी टू द सरफेस एम। सो बेसिकली दिस इज एक्स ऑफ डी एंड द ओपन सेट इज द यूनियन ऑफ सेट्स एक्स ऑफ यू। सो बेसिकली अगर आप डी के अंदर कोई सा ओपन सेट यू ले लें तो इसका जो इमेज होगा अंडर एक्स, सो दिस इज एक्स ऑफ यू, नाउ दिस इज ओपन बिकॉज दिस इज इमेज ऑफ एन ओपन सबसेट ऑफ डी विच इज बेसिकली द डोमेन ऑफ द पैच एक्स। सो इसमें आप एक और ओपन सेट ले लें, लेट्स से वी, इसका भी आपके पास जो इमेज है वो एक्स ऑफ वी आएगा, और इन दोनों का जो यूनियन है एक्स ऑफ यू यूनियन एक्स ऑफ वी, दिस इज ऑल्सो ओपन। सो एक्स ऑफ यू इज ओपन, एक्स ऑफ वी इज ओपन एंड देयर यूनियन इज ऑल्सो ओपन। सो बेसिकली इन जनरल आप कोई सी भी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स ले लें डी के अंदर, और उनका जो इमेज आएगा उन तमाम इमेजेस का आप यूनियन ले लें, देन दिस इज ऑल्सो एन ओपन सबसेट ऑफ एम। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स एब्स्ट्रैक्ट सर्फेसिस की। द प्रोजेक्टिव प्लेन, लेट सिग्मा बी ए यूनिट स्फीयर इन आर थ्री एंड पी बी द सेट ऑफ पेयर्स ऑफ एंटीपोडल पॉइंट्स ऑफ दिस सिग्मा। सो बेसिकली आप कोई सा भी पॉइंट लें स्फीयर के ऊपर तो इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट जो पॉइंट है जो कि उस लाइन के ऊपर है जो कि इस पॉइंट पी और ओरिजिन से पास करती हुई स्फीयर को दूसरे एंड पे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है उसको आप कहते हैं दिस इज एंटीपोडल पॉइंट ऑफ पी। सिमिलरली पी इज एंटीपोडल पॉइंट ऑफ माइनस पी, सो बोथ आर एंटीपोडल टू ईच अदर। नाउ इफ आई टेक द कलेक्शन ऑफ दीज एंटीपोडल पॉइंट्स देन दिस एस इज बेसिकली एन एब्स्ट्रैक्ट सरफेस। अब इस चीज को हम प्रूव करेंगे कि हाउ इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट सरफेस। सबसे पहली तो बात यह है कि स्फीयर की जो ज्योमेट्री है उसको अंडरस्टैंड करना रिलेटिवली सिंपल है, लेकिन ये जो हमने अभी प्रोजेक्टिव प्लेन डिफाइन किया है दिस इज रादर कॉम्प्लिकेटेड। सो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं
this is how the projective plane looks like. So this is not just a plane which is flat. So this is the usual Euclidean plane, but this projective plane is not like this, and it is more complicated, and it has more complicated geometry. So let's see inside in dono ke andar kis kisam ki intersections ho rahi hain. So basically agar main isko ek side se kaat dun to hum dekh sakte hain ki iske andar kis kisam ki intersections ho rahi hain. Aur topologically speaking isko main ye bhi keh sakta hun ki projective plane is something like this, which is a kind of self-intersecting disk. Or similarly, this is self-intersecting disk. So ye tamam ki tamam examples hain projective plane ki. So wo jo collection humne liya hai antipodal points ka, they form a projective plane. Aur agar hum isko sketch kare to ye kuch is kisam ki cheeze banegi. Ab humne ye prove karna hai ki how this projective plane is an abstract surface. उसके लिए हम पहले define करते हैं antipodal map A. So it is defined as it is a map from sphere to the sphere such that it takes point P to its antipodal pair. So for example, अगर आप इस point P पे apply करेंगे A को, then you will get माइनस पी. और सिमिलरली अगर आप माइनस पी पे अप्लाई करेंगे तो आपके पास पी आ जाएगा, क्योंकि माइनस पी का जो एंटीपोडल पॉइंट है वो पी है. एंड सिमिलरली अदर पॉइंट्स. नाउ वी डिफाइन द प्रोजेक्टिव मैप एफ बाय एफ फ्रॉम सिग्मा टू द प्रोजेक्टिव स्पेस डिफाइंड एज पी गोज टू पी माइनस पी. अब क्योंकि आपके पास जो प्रोजेक्टिव प्लेन एस है, इसके पॉइंट्स किस किस्म के हैं, सो इसमें आपने ऐसे पॉइंट्स रखे हुए हैं विच आर पी माइनस पी. सो बेसिकली ये जो है ये एक पॉइंट है प्रोजेक्टिव प्लेन का. सो इसमें आप पी और माइनस पी दोनों पुट कर रहे हैं एक ही सेट में. सिमिलरली जितने भी पॉइंट्स हैं स्फीयर के, उसमें पॉइंट और उसका एंटीपोडल पॉइंट, इन दोनों को आप एक ही सेट में पुट कर रहे हैं. और ये जो एक सेट है ये इस प्रोजेक्टिव प्लेन का एक पॉइंट है. सो दिस इज ए पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टिव प्लेन. नाउ फॉर एवरी पी बिलोंग्स टू सिग्मा वी हैव f of a of p is equal to f of minus p, because a of p is equal to minus p. Now f of minus p is equal to minus p p, क्योंकि इसी तरीके से हमने इस projective map f को define किया है. अगर किसी भी point p पे apply करें तो point p and its antipodal point. So अगर आप minus p पे apply करेंगे then you will get the point minus p and its antipodal point, which is p, and this is equal to f of p. So basically aapke paas jo projective map f hai ye aap f of a of p pe apply karein ya phir aap f of p calculate karein, aapke paas answer same aayega. Now let x from d to sigma be a patch in sigma. We call x a small patch if x of d is contained in a hemisphere of sigma. So hemisphere means aap koi sa bhi sphere lein aur ek aisa plane lein jo ke center of the sphere se pass kare. So for example is case mein humne ye plane liya hai jo ke center of the sphere se पास करता है और ये एक सर्कल दे रहा है.
सो इसमें आपने दो हेमिस्फीयर्स डिफाइन किए, सो दिस इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज द साउदर्न हेमिस्फीयर. सिमिलरली वी कैन टेक एनी प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड इट विल डिफाइन टू हेमिस्फीयर्स. सो दिस इन दिस केस दिस ग्रीन इज ए हेमिस्फीयर and this portion defined by this green plane is a hemisphere. So basically कोई सा भी आप plane लें जो कि origin से pass कर रहा हो तो वो आपके पास हमेशा एक hemisphere define करेगा. So अगर आपके पास कोई सा patch है x from d to sigma where d is some subset of R2, then we call this patch small patch if x of d is contained in a hemisphere of sigma. So x of d jo hai ye ya northern hemisphere mein hai ya phir southern hemisphere mein hai ya phir koi aur plane hai jiske respect se ye small patch hai या उसके रिस्पेक्ट से ये किसी एक हेमिस्फीयर में है. सो फॉर एग्जांपल इस ग्रीन प्लेन के हिसाब से ये स्मॉल पैच होगा अगर ये सिर्फ और सिर्फ इस साइड पे है या फिर इस साइड पे है, और ऐसा नहीं है कि ये दोनों साइड पे है. सो दिस इज नॉट अलाउड. सो देन दिस इज नॉट ए स्मॉल पैच. सो नॉट ए small patch. So it has to be contained in a hemisphere of sigma. So P minus P is not subset of x of d. So आप ये कह सकते हैं कि अगर point P आपके पास x of d में है तो इसका जो antipodal image है minus P. So let's say this is P and this is minus P, then they are not contained in X of T. If X is small, then F of X from D to the projective plane is injective. Now what is the map X? It is a map from some open subset of R2 to the sphere and such that x is small. In other words, ऐसा नहीं है कि x of t में आपके पास p और minus p दोनों आ रहे हैं. So basically ऐसा नहीं है कि p और minus p x of t में आ रहे हैं. So it is something like this कि किसी ना किसी hemisphere में है, so that अगर इसमें p है तो minus p नहीं होगा. और f को हमने डिफाइन किया था, इट्स अ मैप फ्रॉम द स्फीयर टू s सच दैट f ऑफ p इज इक्वल टू माइनस p p. सो दैट्स हाउ वी डिफाइन दिस प्रोजेक्टिव मैप. और अगर आपके पास x स्मॉल है तो इसका मतलब है या इसमें p होगा या माइनस p होगा, दोनों नहीं होंगे. सो इसका मतलब है अगर इसमें कोई सा पॉइंट P है तो इसके इमेज में P माइनस P आ जाएगा, और अगर P आ गया है तो F ऑफ माइनस P इसमें नहीं होगा, क्योंकि अगर आप F ऑफ माइनस P कैलकुलेट करें वंस अगेन ये माइनस P P आ जाएगा, एंड देन यू विल हैव द सेम इमेज ऑफ टू डिफरेंट पॉइंट्स एंड देन इट विल नो मोर बी इंजेक्टिव. लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि आप ये रिक्वायर कर रहे हैं कि या तो x of d में p आएगा या माइनस p आएगा, और उस केस में जब आप उस पे f अप्लाई करेंगे तो आपके पास हमेशा यूनिक इमेजेस आएंगे.
So if x is small, then f of x from some open set D of R2 to S is injective, and therefore f of x is an abstract patch in S. Our abstract patch kya tha hamare paas? It's a map from some open subset of R2 to the surface M such that it is injective and D is an open subset of R2. So is case mein D is already open subset of R2 aur this is injective kyunki humne x ke upar kuch aisi conditions impose ki hain jisse aapke paas f of x injective ban jata hai. So we have an abstract patch in S. Now consider SP, where S is the projective plane and P is the collection of abstract patches, and it is clear that SP satisfies the covering axiom 1. So aap collection P jo hai, aap isme tamam ke tamam abstract patches dal sakte hain such that it covers the whole sphere. Isme aapne is cheez ka dhyan rakhna hai that all of these patches have to be small patches. In other words, agar ye northern hemisphere mein iska kuch part hai to southern mein nahi hoga. Similarly, aapke paas southern hemisphere mein patches hain aur ye tamam ke tamam jo sphere hai usko cover kar rahe hain. So in other words, we can say that the first axiom is satisfied, or in other words, aapke paas aise patches aa gaye hain, aise functions aa gaye hain jo ke open subset of R2 to sphere and then from sphere to the projective plane. So basically projective plane ko main as a set sketch kar raha hoon. So this is the map F, and so because these patches are small, so isme ya P hoga ya minus P hoga aur dono ek patch mein nahi honge. So F of X is basically abstract patch, aur is tarah ki tamam jo collection aap lenge abstract patches ki, wo tamam ki tamam jo projective plane hai usko cover karega. So this projective plane is covered, kyunki inka jab aap image lenge to aapke paas projective plane tamam ka tamam cover ho jayega. So we have a collection of abstract patches which can cover the projective plane. So the first axiom, the covering axiom, is satisfied by this collection of abstract patches on the projective plane S. Now it also satisfies the Hausdorff axiom. So the Hausdorff axiom says that ki agar mere paas koi se do points hain on the projective plane, so agar main koi se do point lu projective plane pe, so isme jo bhi main ek point lunga, basically it corresponds to point P and its antipodal point. So let's say this is point P, then it corresponds to this P and its antipodal point, and similarly if I take this point Q, then it corresponds to Q and minus Q, its antipodal point. So basically I can choose two abstract patches such that one of them covers this Q and the other one covers this point P, and both of them are small patches, so that f of x is an abstract patch. So iska jab aap image lenge, then it will cover Q, aur iska jab hum image lenge is patch ka, then it will cover P, and the intersection of both of them is non-empty. So the Hausdorff axiom is satisfied. For any points P and Q, there exist patches X and Y such that X contains P and Y contains Q, and both of them are disjoint, they don't intersect. So this is easy to show because the domain D
of every patch has the host of property. For any two given distinct points, there are distinct open sets around them. Now, what about the smooth overlap axiom? Now, this is a little bit difficult to prove. Let's see how we can do it. Now, we have the projective plane S and the collection P of abstract patches. Now, it satisfies the smooth overlap axiom because if I take two abstract patches from P, or P mein jitne bhi elements hain wo isi form ke hain kyunki aapne unko define kiya hai using small patches of the sphere. Aapne small patches sphere ke liye uske baad aapne projective map F apply kiya aur aapke paas jo nayi map aa gayi F of X, ye abstract patch hai projective plane ka. Similarly, if y is any other small patch of the sphere, aapne us pe f apply kiya aur f aapke paas projective map hai, us pe f apply karne ke baad aapke paas jo map aayi from some open subset of R2 to the projective plane, ye aapke paas abstract patch hai. And there exists a point p minus p which is in the image of both f of x and f of y. Now, either the images of x and y in sigma both contain p or minus p, or one contains p and the other contains minus p. So basically, this is simple to understand ki agar aapke paas x or y do patches hain, small patches hain in fact sigma ke, then both contains P. So basically aapke paas ye situation ho sakti hai, this is x and this is y, so either both contains p or both contains minus p, so this is r, this is x and this is y, so both contains minus p, or one contains p and the other contains minus p, और आपके पास सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिसमें वन कंटेन्स पी एंड द अदर कंटेन्स माइनस पी. लेट्स से दिस इज वाई. सो आपके पास बेसिकली तीन ऑप्शंस हैं, या दोनों पी को कंटेन करेंगे, या दोनों माइनस पी को कंटेन करेंगे, या एक पी को कंटेन करेगा और दूसरा माइनस पी को कंटेन करेगा. नाउ इफ एक्स एंड वाई ओवरलैप इन सिग्मा, then we can easily see that Fy inverse Fx is equal to Y inverse X. And this is easy because F is injective. So since F is injective, we can write down Fy inverse F of X is equal to Y inverse X. Now we have seen this corollary when we were defining surfaces in R3. उसमें हमने ये देखा था कि अगर मेरे पास x और y कोई से भी दो patches हैं M में, then if the images of x and y overlap, that is x of t intersection y of e is non-empty, then each of x inverse y and y inverse x is a differentiable mapping defined on an open set in R2. So basically ये चीज़ हमने उस वक्त देखी थी when we were defining surfaces in R3. So, इस केस में भी हम ये देख सकते हैं that this map y inverse x is the same map and so this is differentiable, क्योंकि y inverse x जो है ये map है surface के ऊपर. Basically आप sphere से define कर रहे हैं projective plane को. और इसमें जो स्फीयर है, इट इज ए सरफेस इन आर थ्री, लेकिन जो प्रोजेक्टिव प्लेन है इसको हमने कोई कंडीशन इम्पोज नहीं की, सो इट इज नॉट एम्बेडेड इन यूक्लिडियन स्पेस. लेकिन ये जो स्फीयर है, इट इज ए सरफेस इन आर थ्री,
So we can use the results that we proved about the surfaces in R3. So इस केस में क्योंकि fx y inverse x के बराबर है, so we can use the fact that y inverse x is differentiable for the surface in R3, and since sphere is a surface in R3, so this is differentiable. Now if x and y do not overlap, then x and a of y overlap instead. So for example, अगर आपके पास ऐसा केस नहीं है जिसमें x और y किसी एक पॉइंट p को कंटेन कर रहे हैं, या फिर पॉइंट माइनस p को कंटेन कर रहे हैं, अगर ऐसा नहीं है और ये ओवरलैप नहीं कर रहे, देन ऑफ कोर्स x और a y ये ओवरलैप जरूर करेंगे. So let's say this is x and this is y, and such that they don't overlap. लेकिन जो इसका एंटीपोडल इमेज है y का, ये आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा. So this is basically a of y. इसके exactly opposite जो points हैं, इसके exactly आपने एंटीपोडल इमेजेस लेने हैं, which are passing through the origin. So basically ये जो points होंगे, ये जो collection of points है, जो कि एंटीपोडल इमेज है y का, ये आपके पास x के साथ इंटरसेक्ट करेगा. And so we can write down f of y inverse f of x is equal to f of a of y whole inverse f of x, and this is equal to y inverse x. So once again, this map involves a sphere which is a surface in R3, and this is differentiable by a corollary that we did when we were doing surfaces in R3. And so this map is differentiable. So basically in general आपने ये prove कर दिया है दो cases discuss करने के बाद, that fy inverse fx is differentiable. So it satisfies the smooth overlap axiom, and so projective plane is an abstract surface. So इसमें हमने तीन axioms थे, वो हमने prove कर दिए हैं, the overlapping axiom, the covering axiom and the Hausdorff axiom. ये तीनों के तीनों projective plane satisfy करता है. और इसमें आप गौर करेंगे कि हमने ये projective plane पे require नहीं किया कि it has to be contained in R3. उसमें हमने ऐसी कोई requirement नहीं की, लेकिन हमने एक ऐसी surface बीच में ज़रूर use की है, which is sphere, जो कि R3 में contained थी. उस surface को use करते हुए हमने ऐसी surface construct की, which is projective plane, जो कि किसी भी Euclidean space में contained नहीं थी, और उसको हमने prove कर दिया है that this is in fact an abstract surface. Now a surface in R3 is an example of an abstract surface. If we explain S as the set of patches that is used to construct M. Now by definition, MP1 and MP2 are different surfaces if P1 is not equal to P2. अभी जो हमने definition की थी, उसमें हमने एक subset M लिया था और एक set of patches लिए थे to M. और हमने ये देखा था कि जो different conditions हैं under which this M is going to be an abstract surface, वो hugely depend कर रही हैं on the existence of some patches in P. So basically, जब आप किसी भी set M को surface prove करने लगेंगे, then it will depend on this collection P1 of patches. इसका मतलब है, अगर मैं इस P1 को change कर दूं with some other collection P2 of patches, और दोनों equal नहीं हैं, then this pair MP1 and this pair MP2, they are both different surfaces if P1 is not equal to P2. So इस चीज को हम easy कर सकते हैं, और हम हमेशा assume करते हैं that the set P of patches in an abstract surface is as large as possible. So this is
the largest set satisfying these axioms. So aisa nahi hai ki agar main koi sa aur set le lu, so let MP be an abstract surface, aur main koi aur sa set le lu MQ such that Q is basically superset of P, to aisa nahi hai ki ye bhi surface hai, because P is the largest possible collection of patches under which MP is in surface. So iska jo bhi superset hoga wo abstract surface nahi banegi. So this is not an abstract surface. So basically iska fayda kya ho jayega? Iska fayda ye hoga ki hum isse zyada koi bhi isme patch nahi include kar sakte, क्योंकि दिस इज द लार्जेस्ट पॉसिबल कलेक्शन ऑफ पैचेज अंडर विच एम इज एन एब्स्ट्रैक्ट सरफेस. सो इससे छोटा हम नहीं ले सकते, क्योंकि हमने ये रिक्वायर किया है दैट इट हैज टू बी द लार्जेस्ट कलेक्शन. क्योंकि इससे छोटा अगर मैं कोई सेट लूँ, लेट से सेट एल लूँ विच इज प्रॉपर सबसेट ऑफ पी, एंड एम एल सेटिस्फाइज द एग्जियम्स ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट सरफेस, तो मैं इसको कंसिडर नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें कुछ और एलिमेंट्स मैं डाल सकता हूं, और उन एलिमेंट्स के डालने के बाद जो सेट पी बनेगा दैट विल स्टिल सेटिस्फाई द एग्जियम ऑफ एब्स्ट्रैक्ट सर्फिसेस. सो मैं लार्जेस्ट पॉसिबल कलेक्शन ले लेता हूं, और इससे मेरे ये फ़ायदा होगा कि ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी, क्योंकि मैंने लार्जेस्ट पॉसिबल कलेक्शन ले लिया है अंडर विच एम इज़ ए सर्फिस, और इससे छोटा सेट मैं नहीं लूँगा, और इससे बड़ा सेट पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर होगा तो हम उन तमाम पैचेस को भी पी में इंक्लूड कर देंगे. सो ये चीज हम अज्यूम करते हैं टू सिंप्लीफाई द सिचुएशन, टू रेक्टिफाई दिस प्रॉब्लम, कि जो एब्स्ट्रैक्ट सरफेस की डेफिनेशन है वो इस कलेक्शन ऑफ पैचेस पे भी डिपेंड कर रही है, और दो डिफरेंट पैचेस के लिए एक ही सेट जो है वो सरफेस नहीं बनेगा अंडर दिस अजम्पशन. So all patches in M that satisfies the overlap condition with all elements of P also have to be in P. So sometimes we only speak of the surface M when we mean the abstract surface MP. So basically, जब आपने ये assume कर लिया कि जो तमाम के तमाम patches हैं जो कि M को surface बनाएंगे, और इस P को मैंने लार्जेस्ट पॉसिबल कलेक्शन लेना है अंडर विच दिस सेट M इज गोइंग टू बी एन एब्स्ट्रैक्ट सरफेस, सो इसका मतलब है इस P को अब मुझे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट अगर मैं ये कह दूं कि M इज एन एब्स्ट्रैक्ट सरफेस, उसके बाद सेट P जो है वो already understood hai, there is only one unique collection P which is the largest collection of patches under which M is going to be an abstract surface. So once again main aapko bata dun, agar koi aur collection hai Q which is greater than P, to Q mein kuch aise elements honge jo ke P mein nahi hain, aur agar M surface hai, abstract surface hai under this collection Q of abstract patches, तो हम Q के elements भी P में include कर देंगे. So this is not possible, and P is the largest collection of patches under which M is an abstract surface. Now let's see how we define curves in abstract surfaces. क्योंकि curves की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ेगी क्योंकि इसके साथ हम tangent planes define करते हैं, और इनको यूज़ करते हुए हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स डिफाइन करते हैं, और सिमिलरली हम डिफरेंशियल फॉर्म्स भी इन्हीं को यूज़ करते हुए डिफाइन करते हैं. नाउ लेट एम बी एन एब्स्ट्रैक्ट सरफेस. ए कर्व इन एम इज़ ए फंक्शन फ्रॉम आई टू एम सच दैट अल्फा हैज़ ए वेलोसिटी अल्फा प्राइम टी फॉर एवरी टी बिलोंग्स टू आई. सो जब हमने कर्व को डिफाइन कर दिया, देन वी कैन डिफाइन
almost all of the things that we define for the surfaces in R3. Hum directional derivatives define kar sakte hain, hum line integrals define kar sakte hain, kyunki line integrals mein bhi aapko yaad ho humne kuch is kisam ke expression use kiye the. Similarly hum directional derivatives use kar sakte hain kyunki directional derivatives bhi aapne along the velocity vectors of some curve kiye the. Now a velocity vector of a function is a function alpha prime t such that for every differentiable function f from m to r we can define alpha prime of t f is equal to the directional derivative of f in the direction of alpha prime of t which is equal to d of f of alpha divided by d of t. Now we notice that differential forms and integration on surfaces can all be explained in terms of velocity vectors. And so once we define the velocity vector and the curves in abstract surfaces, then we can do almost everything that we did for the surfaces in R3. Manifolds. So jaisa ki maine lecture ke shuru mein kaha tha, abstract surfaces are part of a bigger class and this class is called manifolds. So every abstract surface is a manifold aur in dono ki jo definition hai wo more or less same hai, lekin isme just hum jo dimension hai usko increase kar dete hain kyunki abstract surface hai, it's a surface so it has dimension 2, lekin in general aap koi bhi n dimensional manifold define kar sakte hain. So an n dimensional manifold is a pair MP where M is a set of points and P is a set of abstract patches X from D to M and these are injective and D inside Rn are open sets. So us case mein jab aap abstract surfaces define kar rahe the aapne jo open sets liye the they were open sets of R2. So isme jo 2 hai वो डायमेंशन को बता रहा है और डायमेंशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट सरफेस इज 2 बिकॉज इट इज ए सरफेस. लेकिन अगर आप एन डायमेंशनल मैनिफोल्ड डिफाइन करेंगे उस केस में इंजेक्टिविटी भी हम रिक्वायर कर रहे हैं और जो सेट डी है विच इज ओपन सेट वो हम आर एन से ले रहे हैं. नाउ it satisfies all three same axioms, the covering axiom which means jab aap patches ka union lenge then this union must be equal to M. Similarly agar koi se do elements lenge P ke ya koi se bhi do patches lenge then Y inverse X and X inverse Y must be differentiable functions from Rn to Rn. So is case mein आपके पास आर एन टू आर एन ये मैप्स बनेंगी. एंड द लास्ट एग्जाम अगर आपके पास कोई से भी पॉइंट्स हैं पी एंड क्यू इन एम देन देर आर डिसजॉइंट पैचेस एक्स एंड वाई इनसाइड पी सच दैट पी इज इन द इमेज ऑफ एक्स एंड क्यू इज इन द इमेज ऑफ वाई. सो बेसिकली मोर और लेस सेम डेफिनेशन है, जस्ट हमने इसमें डायमेंशन को काउंट किया है क्योंकि n मैनिफोल्ड हैज डायमेंशन n. सो इसमें जो ओपन सेट्स हैं वो Rn से आ रहे हैं और y इनवर्स x और x इनवर्स y आपके पास डिफरेंशियबल फंक्शंस हैं फ्रॉम Rn टू Rn. एवरी एब्स्ट्रैक्ट सरफेस इज प्रिसाइजली द सेम एज टू डायमेंशनल मैनिफोल्ड. सिमिलरली Rn इज एन एग्जांपल ऑफ n डायमेंशनल मैनिफोल्ड और ये हमने देखा था जब हम सर्फेसिस की डेफिनेशन कर रहे थे दैट R2 इज ए सर्फेस इन R3. सिमिलरली Rn इज एन n डायमेंशनल मैनिफोल्ड. टेंजेंट बंडल ऑफ ए सर्फेस, लेट M बी ए सर्फेस इन R3 और वी कैन ऑल्सो टेक इट टू बी एन एब्स्ट्रैक्ट सर्फेस. In other words,
a two-dimensional manifold, and let Tm be the set of all tangent vectors to M at all points. So basically, आप कोई सी भी सरफेस लें इसमें जितने भी टेंजेंट वेक्टर्स हैं टू ऑल पॉइंट्स सो बेसिकली सेट ऑफ ऑल टेंजेंट वेक्टर्स टू ऑल पॉइंट्स ऑन एम उसको हमने पुट कर लिया है टी ऑफ एम Then T of M is the tangent bundle of M. So basically, it is the collection of all tangent vectors to the surface M, and this collection is T of M, and it is called the tangent bundle of M. Now, an element of T of M corresponds to a pair PV, where P is an element of M, and V is an element of the tangent space. To the surface M at point P. Since M and TP of M each has dimension 2, we expect that T of M has dimension 4. So basically, अगर आप कोई सी surface लें, so उसमें किसी भी point पे जो set of all tangent vectors to the surface है, वो आपके पास एक plane बनेगा. So the tangent plane to this point P. सिमिलरली आप कोई सा और पॉइंट लेंगे तो आपके पास एक और प्लेन बनेगा सो कोरिस्पोंडिंग टू ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द सर्फेस वी हैव ए प्लेन एंड द डायमेंशन ऑफ द सर्फेस इज टू सो इट विल हैव टू प्लस टू इक्वल्स फोर डायमेंशंस द टेंजेंट बंडल टी ऑफ एम हैज डायमेंशन फोर ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर आप एक कर्व ले लें और कर्व के हर पॉइंट पे आप जो टेंजेंट स्पेस है वो लें वो आपके पास वन डायमेंशनल या एक लाइन बनेगी और इन तमाम का जब आप कलेक्शन ले लेंगे तो बेसिकली आप देख सकते हैं इट्स अ सरफेस सो इसमें कुछ लाइंस बीच में गैप्स हैं इन तमाम लाइंस को जब आप बना देंगे तो आपके पास एक सरफेस बनेगी एंड दिस गोज इन्फिनिटली इन बोथ डायरेक्शंस सो इस पोर्शन में इस पिक्चर में कुछ पोर्शन बनाया गया है लेकिन दिस गोज इन्फिनिटली इन बोथ डायरेक्शंस सो इट इज ए सरफेस और व्हाई इट इज अ सरफेस बिकॉज द कर्व हैज डायमेंशन वन एंड एट ईच एंड एवरी पॉइंट वी हैव वन डायमेंशनल लाइन सो इट इज ए टू डायमेंशनल मैनिफोल्ड सिमिलरली If we have a plane which is two-dimensional object at each and every point on the surface, then we have a four-dimensional space, the tangent bundle. Now, if X is any patch in M, and let's say D bar is equal to this collection P1, P2, P3, P4, such that P1, P2 belongs to D. It is in fact D cross R2. And we define X bar from D bar to T of M defined as this. Then X bar is injective and P is the set of all derived patches, X bar of the patches in M. And then T of MP satisfies the definition of a manifold. So with this collection of patches, T of M is a manifold, and it is a manifold of dimension 4. Similarly, we can take a circle, which is a one-dimensional object, or in this case maybe, jab aap collection of all tangent vectors lenge, to aapke paas ek surface banegi. And so it is 1 plus 1 two-dimensional manifold. Next time we will be discussing geodesic curves in a surface. Agar aap plane mein hain, to plane mein shortest distance between two points is a straight line. Lekin
जब आप एब्स्ट्रैक्ट सर्फेसेस के ऊपर हैं, फॉर एग्जांपल प्लैनेट अर्थ इज एन एब्स्ट्रैक्ट सर्फेस, देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज नो मोर ए स्ट्रेट लाइन. सो दे आर कर्व्ड पाथ्स एंड वी कॉल देम ज्योडेसिक्स. ये चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर. थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़.